बारहवीं विषय हिंदी वितान भाग दो के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाठ दो है और ये है जूज आनंद यादव जी द्वारा रचित ये उपन्यास है। अब थोड़ा संक्षिप्त लेखक परिचय जो है समझते हैं। आनंद यादव जी जिसे कि आप ये देख रहे हैं मराठी साहित्य के विख्यात वरिष्ठ साहित्यकार आनंद यादव जी का जन्म 30 नवंबर 1935 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागर गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम रत्नाका जकाते था और पूरा नाम आनंद रतन यादव। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री पुणे विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा वहीं पर मराठी विभाग में अध्यक्ष रहे। इन्होंने लगभग 40 पुस्तकें लिखी जिनमें उपन्यास कहानी निबंध कविता समालोचना आदि सम्मिलित हैं। उनके लिखित नटरंग उपन्यास पर बनी मराठी फिल्म अत्यधिक प्रसिद्ध है। इन्हें इनके आत्मपरक उपन्यास जूज पर 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ के मराठी के अध्यक्ष पद से इन्होंने अवकाश प्राप्त किया। इन्होंने मराठी ग्रामीण साहित्य को अलग पहचान दी। 27 नवंबर 1916 को 83 वर्ष की आयु में इनकी पुणे में मृत्यु हुई। ये था आनंद यादव जी के उनका उपन्यास है संक्षिप्त परिचय। आप थोड़ा पाठ के सारांश को समझते हैं। ये है पाठ का सारांश। मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद रतन यादव का जूज अति प्रसिद्ध आत्मपरक उपन्यास है। यहाँ पर इस उपन्यास का कुछ अंश भी दिया गया है। जूज एक किशोर द्वारा भोगे हुए गवई यानी ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ और आंचलिक परिवेश की जीवंत गाथा है। लेखक अपने बचपन के विषय में बताता है कि उसका जो मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था परंतु पिता उन्हें पाठशाला न भेजकर खेत में काम करने के लिए भेज देते थे। वे स्वयं कोई काम नहीं करते थे। इस कारण लेखक का स्कूल जाना बंद हो गया। एक दिन जब लेखक कंडे थापने में माँ की सहायता कर रहा था तो उस समय माँ वह अपने को अकेला पाकर माँ से स्कूल जाने के लिए कहता है कि एक बच्चा है जो स्कूल जाने के लिए लड़ाई है स्कूल जाना चाहता है परंतु उसके पिताजी स्कूल नहीं भेजते और उसको खेत पे काम करने के लिए कहते हैं लेकिन पिताजी को ना पाकर वह ये बात स्कूल जाने की वह अपनी माँ से कहता है परंतु माँ भी उसके पिता से बहुत डरती थी। माँ भी पढ़ाई के पक्ष में तो थी लेकिन मजबूर थी। आनंदा कहता है कि खेत के सारे काम समाप्त हो गए हैं इसलिए कहता हूँ तू दत्ता जी राव से मेरे पढ़ने की बात कर ले रात को मैं और तुम उनके यहाँ चलकर सब बता देंगे। पिता उनकी सब बात मानते हैं दत्ता जी राव ही मेरे पढ़ने का रास्ता खोल सकते हैं। उनके पिताजी जिस गति से डरते हैं वो बच्चा जो लेखक है वह अपनी माँ से उनके पास जाने के लिए कहते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। रात को माँ व बेटा दत्ता राव के घर जाते हैं। वहां जाकर माँ उन्हें बताती है कि आनंदा का पिता सारे दिन गांव में डोलता है बाजार में
रखमाबाई के साथ सारा दिन बिता। अतः वह खुशी खुशी दत्ता राव के पास गया। थोड़ी देर बाद लेखक भी वहां जाता है। बातों बातों में दत्ता राव लेखक से उसकी पढ़ाई की चर्चा करते हैं। लेखक कहता है, दादा स्कूल ना भेजकर खेत का सारा काम कराता है। तब दत्ता राव दादा को हटाते हैं, लेखक को पाठशाला जाने के लिए कहते हैं। तुम नहीं भेजोगे तो विश्वमानंदा को पाठशाला भेज देंगे। इस प्रकार लेखक का विद्यालय जाने का क्या हो गया, रास्ता खुल गया। आनंदा की पाठशाला जाने वजह से लगती थी दादा की शर्तों के अनुसार लेखक बस्ता लेकर सुबह खेत जाता, साथ में बस्ता ले जाता, 11 बजे तक खेत में वो काम करता, बाद में पाठशाला जाता। पाठशाला से सर्वप्रथम रण डबरी मास्टर में कक्षा में आकर लेखक के बारे में जाना व बामन पंडित की कविता सुनाई। पाठशाला बच्चे लेखक को बहुत परेशान करते, परंतु धीरे धीरे लेखक का परिचय दूसरे लड़कों से बढ़ने लगा। मंत्री नामक कक्षा अध्यापक गणित पढ़ाते, बच्चे उनसे बहुत डरते थे। कक्षा में बसंत पाटिल नाम के एक होशियार लड़के से मित्रता भी हो गई। गणित के मास्टर ने लेखक को आनंदा कहा तो लेखक को अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक केवल माफी से आनंदा कहती थी। और इस प्रकार से लेखक मास्टर जो है स्वागत लवेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे, उनसे लेखक ने कविता लिखी के गुण सीखे। लेखक फिर में काम करते कविता करता, मास्टर जी को सुनाता, उसे अब अकेला मन अच्छा लगता था। एक बार मास्टर जी ने बड़ी कक्षा के छात्रों के सामने उससे कविता सुनवाई। लेखक मास्टर जी के घर से पुस्तकें लाकर कविताएं पढ़ता। मास्टर जी ने एक अच्छे कवि थे। अब लेखक को विश्वास हो गया कि हमारी तरह हर मास के इंसान होते हैं, अतः लेखक भी कविता कर सकता। तब लेखक भैंस की पीठ पर पत्थर के टुकड़े पर कविता लिखता। कविता लिखने के लिए कीसा में कागज पेंसिल, कीसा माने जेब, और पेंसिल रखने लगा। लेखक पंखों के बल उड़ने लगा और लेखक अपने गांव खेतों पर दुर्गति करने लगा। मास्टर साहब को दिखाता, मास्टर साहब उसे छंद अलंकार लय का ध्यान कराते, पढ़ने के लिए काव्य संग्रह देते, जिसे पढ़कर लेखक ने मतलब लेखक के अंदर कविता रचना की समझ पैदा होने लगी। प्रस्तुत कथानक मूल रूप में मराठी में लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर दिए हैं कि जो शीर्षक है और चित्र पर विचार करते हैं स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। उत्तर, आनंद यादव द्वारा रचित उपन्यास का प्रस्तुत शीर्षक को पूर्ण रूप से सार्थक करता। जूझदा शाब्दिक अर्थ है संघर्ष, इसका जूझदा शाब्दिक अर्थ क्या है, संघर्ष। यहाँ एक किशोर के हृदय में पढ़ने की भी जिज्ञासा है। किशोर उसके पिता जो है पढ़ाई पढ़ाकर उसको काम पर भी लगा देते हैं और किशोर कथा नायक आनंद पाठशाला जाने के लिए जो है संघर्ष करता है, क्योंकि वो अपनी पिता से डरता है, माँ भी उसके पिता से डरती है, इस प्रकार दोनों ही डरते हैं। तो फिर वो क्या करता है, लेकिन उसके मन में लालसा है, तो इस संघर्ष में उसकी माँ दत्ता राव सरकार मराठी और गणित के अध्यापक वसंत पाटिल नाम का छात्र उसकी क्या करते हैं सहायता। और कहानी आनंद संकट क्या संघर्ष दिया, अगर कहानी का शीर्षक जूझ बिल्कुल उचित है। शीर्षक कथा नायक संघर्ष के होने पर परिश्रमी तथा आत्मविश्वास जैसे चारित्रिक गुणों से उजागर करता। प्रश्न, स्वयं कविता रस लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे हुआ, कैसे पैदा हुआ। उत्तर, जो लगेकर मास्टर जो मराठी पढ़ाते थे, वे कविता को सुरीली आवाज छंद में बढ़िया चाल रसिकता के साथ सुनाते थे। लेखक उनसे प्रभावित होने लगा, उनकी कविताओं को खेत पर अकेला अभिनय के साथ दोहराता। इससे पहले वह कभी किसी दूसरे को लोग का प्राणी मानता था। और सौंद लवेकर ने जिन्हें लेखक को कई बार काव्य संग्रह पढ़ने को दिए, कविताएं कवियों के चरित्र उनके संस्मरण बताया करते थे, उनके कारण लेखक को मतलब जो लगा तो लेखक लोग जो है लेखक को विश्वास हुआ है ना। तो जो है इसके कारण ये जो कवि हैं, लोग लेखक को आदमी ही कहने लगे। मास्टर साहब स्वयं भी कवि थे, इसलिए लेखक को विश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ये खार मास का है, कोई जो मनुष्य की रूप में ही होता है, लेखक को लगा भाई कविता कर सकता है। उसे देखा
कि अध्यापक ने अपने दरवाजे पर छाया मारती लेखक को लगा कि इसके आसपास अपने गांव अपने खेतों में कितनी दृश्यों का कविता वह बना सकता है। इस प्रकार लेखक के मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चलाते, पानी लाते, लगाते, दूसरे काम करते अकेलापन बहुत खतरनाक था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना, लेकिन अब कविता से लगाव होने के बाद अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। लेखक अपने आप से खेलने लगा, उसे अकेलापन अच्छा लगता, जिससे कविता उनकी आवाज में गाई जा सकेगी, अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते गाते कोई कोई करके नाचा जा सकता है, लेखक समझेंगे नाचने लगता था। इस प्रकार लेखक की धारणा बदल गई। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता राव जी के रवैया सही था या लेखक के पिता का तर्क सही उत्तर दें? हमारी राय में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया सही था। लेखक की इच्छा थी कि वो क्या करे, पढ़ लिख कर नौकरी तब मेरा तो जीवन सुधर जाएगा। खेती में जनर काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, खेती में हमें गड्ढे में धकेल रही है। लेखक सोचता था कि अगर मैं पढ़ जाएगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे हाथ में आएंगे और इस प्रकार से विठोबा अखबार की तरह न कारोबार किया जा सकेगा। दत्ता जी भी लेखक की प्रतिभा के विषय में न उन्होंने जान लिया था, उस टाइम भी पढ़े लिखे थे, अतः पढ़ाई लिखाई के विषय में उनका दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक और यथार्थ था। लेखक के पिता पढ़ाई लिखाई के विषय में रवैया उनका गलत था और वह इस प्रकार कारकर बेटे को पढ़ाना नहीं चाहते थे। अब बेटे के स्कूल जाने पर खेती का काम कौन करता है और पिता के ऐशो आराम में कमी आ जाती। अब यहाँ पर दिया है कि जूस खाने के आधार बताई लेखक की माँ ने लेखक की पाठशाला जाने में क्या सहायता की, तो उन्होंने क्या सहायता की कि लेखक की पढ़ाई, लेखक के पिता ने तो पढ़ाई सहायता से बेटी के काम में लगा दिया, परंतु लेखक का मन कहाँ था, पाठशाला जाने। एक दिन कंडे जब उसकी माँ कंडे बना रही थी लेखक की माँ, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के विषय में इच्छा प्रकट की। लेखक की माँ ने कहा कि तुम एक काम करो, दत्ता जी राव सरकार से पिताजी को समझा दें, लेखक को पढ़ने भेज दे। माँ और लेखक दोनों रात में कहाँ गए, दत्ता जी राव के वहाँ पिताई के घर गए, जहाँ माँ ने दत्ता जी राव से लेखक की इच्छा बताई, पिता के गलत कार्यों के विषय में बताया, यह भी कहा कि पिताजी उन दोनों को खाने की बात मत बताना। और इस प्रकार उन्होंने दत्ता जी राव ने पिताजी को बुलाकर फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा और बाकी समय खेती का काम करेगा। इस बात पर पिताजी सहमत हो गए और इस प्रकार खेत का काम करने के बाद पाठशाला जाने, इस प्रकार लेखक की माँ ने लेखक को पाठशाला जाने में सहायता की, लेखक की सहायता की। लेखक के पिता ने आनंद पाठशाला के समय क्यों और क्या शर्त रखी? उन्होंने शर्त रखी कि हम चूंकि उसको पाठशाला भेजना लेखक को नहीं चाहते थे। जब आनंद कक्षा पांच में पढ़ रहा था तो उनका जो पाठशाला बंद कराकर खेतों में काम पे लगा दिया, पशुओं को चलाना, बेरना, गोरु चलाना, कितने जो भी कार्य होते हैं इत्यादि में उसको लगा दिया। सब पिता सारे दिन ऐश जीवन बिता रहे थे, इसलिए बालक को पाठशाला भेजते समय कुछ शर्तें रखी। पाठशाला 11 बजे होती है, अतः दिन निकलते ही खेत पर जाकर पानी देना होगा, दूसरे कार्य करने समय खेत पर जाते समय बस्ता साथ में लेकर जाना होगा, 11 बजे खेत से सीधे पाठशाला पहुंचना होगा, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा मतलब जो है पशुओं को चराना, कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगानी होगी। आगे पिता ने कहा कि अगर ये शर्त मंजूर है तभी वह कहाँ जा पाएगा, पाठशाला जा पाएगा। लेखक को दोबारा पाठशाला जाने पर पहले दिन कैसा अनुभव हुआ? लेखक पांचवी में जाकर बैठा, इसे नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके नाम के सामने नापास लिखा था, अतः उसका नाम पांचवी के हाजिर रजिस्टर में लिखा रह गया। उसे देखा दो लड़कों को छोड़कर कोई उसकी पहचान पाला था, उसकी कक्षा के सब लड़के अगली कक्षा में चले गए, दोनों लड़के कम उम्र कम बुद्धि के थे, उसके साथ बैठने की सोचकर उनका मन खट्टा हुआ, अनजान जैसा बैठा रहा। कक्षा के शरारती चाहन नाम की लड़की ने उनका मजाक बनाया, उनकी पोशाक का मजाक बनाया तो उनका गमछा छीन लिया, गमछा सिर पर बांधकर मास्टर की नकल करने लगा और इस प्रकार घटना को लेकर धड़कन को बढ़ा दिया। उस क्षण रण नवरे मास्टर जी ने आकर गमछा में से नीचे फेंका, लेखक का नाम जान लिया, उस चहान लड़के को डांटा और बामन पंडित की कविता पढ़ने लगी। बीच की छुट्टी में
जहाँ ने उसकी धोती खोलने का प्रयास किया, लड़की इस प्रकार अनेक उनको सताते रहे और घर तक गमछा धोती थी तो कक्षा में निर्माण होगा। लेकिन अनुभव किया कि चौथी से पांच तक कक्षा अपनी गति थी, अब पराई हो गई है, अब पाठशाला नहीं जाऊंगा। फिर दिया है कि जूस कहानी में युवा पीढ़ी को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दी गई है। सबसे पहले जूस कहानी युवा पीढ़ी को निम्नलिखित जीवन मूल्यों की प्रेरणा दी। पहला संघर्षशीलता, किसी भी काम को मैं यदि हमें सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और युवा पीढ़ी जो है कम परिश्रम अधिक पाना चाहती है, तो जूस कहानी के नायक को संघर्ष करना पड़ा और उसको पाठशाला जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आर्थिक कमी का संघर्ष, कक्षा में स्थान बनाने का संघर्ष, संघर्ष ही जीवन है, इस जीवन मूल्य को स्थापित करना पड़ा। दूसरा दूरदर्शिता, व्यक्ति को दूरदर्शी या होना अनिवार्य है। दूस कहानी का जो नायक आनंद गंगा नहीं समझ लेता है खेती से जीवन नहीं बीतेगा, उसे पढ़ना अनिवार्य है, अतः यह प्रकार पाठशाला जाकर शिक्षा प्राप्त करके जीवन में कुछ पाने का प्रयत्न करता है। परिश्रमशीलता, जूस कहानी का नायक युवा पीढ़ी को परिश्रम का संदेश देता है कि वह श्रम करे, सुबह खेतों पर भी जाता है, पाठशाला में अध्ययन करता है, लौटकर पशु चराता है और अपनी पढ़ाई करता है, इस प्रकार परिश्रम का संदेश देता है। लगनशीलता, जीवन में सफलता पाने के लिए लगन होना अनिवार्य है। जूस कहानी के नायक शिक्षा प्राप्त करने के पार लगन थी, इसके लिए वह परिश्रम करता है, लंबे समय के बाद पाठशाला जाकर लगन के आधार पर कवि बन जाता है, अतः युवा पीढ़ी को लगनशील होने की प्रेरणा देता है। जूस कहानी के शीर्षक औचित्य सार्थकता स्पष्ट कीजिए, तो जूस कहानी एक किशोर द्वारा भोगे हुए गवई है, ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ और आंचलिक परिवेश को जीवन गाथा है। जूस कहानी का शीर्षक पूर्ण रूप से उचित है, इस आत्मपरक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण है तो है ही, साथ ही निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज लड़ते जूते किसान मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। कहानी का नायक प्रथम पर संघर्ष करता, बच्चों को पाठशाला लगाने के लिए संघर्ष करता, कक्षा में शरारती बच्चों संघर्ष करता, स्वयं को पाठशाला में स्थापित करने के लिए संघर्ष करता, घर खेत में कभी काम करता है, माँ के घर खेत में सभी जितने काम है करता है, माँ के साथ हाथ बटाता है, इस प्रकार आनंद दूसरा ही रहता है। अतः कहानी का शीर्षक जूस का खाना, पात्र, वातावरण आदि सभी दृष्टि से परिपूर्ण और सार्थक है। इस प्रकार मैंने आपको ये जो वितान भाग दो के जूस कहानी के जो जो सार है उसके जो प्रश्न उत्तर हैं आप लोगों को पढ़ाए समझाए, आप लोग उसको कॉपी में लिखेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।